हम कर रहे बात अगर अपना अभ्यास करता है जिसके साथ आ रहा हूँ बात कर रहा हूँ कौन हो गए बार में आपको हो चुका सब मेरे अच्छा बीबी हो गया दमाव में खाद्य विभाग हाथ पर हाथ धरे बैठा हुआ है ये जानते हुए भी कि त्योहारों के सीजन में सड़ी हुई और मिलावटी चीजें जमकर बाजारों में दिख रही हैं। यहाँ के 3 गांव में दूषित मावे से बने लड्डू खाकर 50 से ज्यादा लोग फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए हैं। सभी की हालत नाजुक है और सब अस्पतालों में पड़े हुए हैं। हो जाइए सावधान, कीजिए परहेज मिठाइयों से, जानलेवा हो सकती है मिठाई, संभल कर कहीं भारी न पड़ जाए त्योहार। दमोह के सरकारी अस्पताल में भर्ती इन मरीजों को जरा गौर से देखिए, जिनकी हालत के लिए जिम्मेदार है दूषित मावे से बनी मिठाई। शरद पूर्णिमा के मौके पर दूषित मावे से बनी मिठाई बांटी गई, जिसमें 3 गांव के 50 लोग इसकी चपेट में आ गए। सभी की हालत अभी नाजुक बनी हुई है, पीड़ितों में मासूम बच्चे और औरतें भी शामिल है। दमोह के हरद्वानी गांव में शरद पूर्णिमा की पूजा के बाद लड्डुओं का प्रसाद बांटा गया, जिसे खाने के बाद पहले बच्चों और फिर बड़ों की हालत बिगड़ने लगी। यहां 17 लोग फूड पॉइजनिंग के शिकार हुए। कुछ ऐसा ही हाल इंदौरिया में हुआ, यहाँ भी पूजा के बाद प्रसाद बांटा गया, लेकिन वो ग्रामीणों के लिए जानलेवा साबित हुआ। यहाँ भी 10 लोग जहरीली मिठाई का शिकार हो गए। तो क्या प्रसाद था ये? प्रसाद कितने में लोगों ने खाया था? सभी लोगों ने अलग अलग खाया था कि एक ही प्रसाद सभी लोगों ने? लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता रहा, अस्पताल में फूड पॉइजनिंग से पीड़ित मरीजों की संख्याओं का आंकड़ा बढ़ता गया और धीरे धीरे ये 50 तक पहुंच गया। 50 मरीजों के एक साथ अस्पताल पहुंच जाने से अफरा तफरी का माहौल बन गया। मेडिकल वार्ड में खाली पलंग की कमी बढ़ जाने से अनेक पीड़ित लोग फर्श पर बेसुध पड़े हुए थे। इसके बावजूद अस्पताल का स्टाफ पीड़ितों के उपचार में जुटा हुआ था। फूड पॉइजनिंग के शिकार लोगों की संख्या में और भी बढ़ोतरी होने की आशंका पीड़ितों के परिजनों को है। ये संख्या बढ़कर 60 तक पहुंच सकती है। तीनों गांवों में प्रसाद के दौरान बांटे गए लड्डुओं को बनाने के लिए दूषित मावा कहां से खरीदा गया, इसका अभी खुलासा नहीं हो सका है। साथ ही अभी तक प्रशासन भी इस मामले में हरकत में नहीं आया। दमोह जिले में मावे के सैंपल लेने की मुहिम एक बार भी नहीं चलाई गई। बाहर जाने वाले मावे की जांच करने के लिए सैंपल भी नहीं दिए गए। इसी का नतीजा है कि मिठाई की दुकानों पर मावे से तैयार होने के बाद बिकने वाली मिठाइयों की क्वालिटी के बारे में लोगों को पता ही नहीं। लोगों को जैसी मिठाई मिलती है उसका सेवन कर दिया जाता है। अटल राजेंद्र जैन, साधना न्यूज, दमोह। तो अब अगर अपनी जान बचानी है तो जहरीले मावे से खुद ब खुद सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि त्योहारों का मौसम चल रहा है और ऐसे में अक्सर देखा जाता है कि इस तरह से जो खराब सामान है या जहरीला सामान है उसकी बाढ़ सी आ जाती है। बाजार में सस्ते दाम पर बेचने के लिए इसे गलत तरीके से तैयार किया जाता है। ये भी ध्यान नहीं रखा जाता कि ऐसा मावा खाने से या ऐसे मावे की बनी चीजों को खाने से किसी की जान भी जा सकती है। तो शरद पूर्णिमा की बात अगर यहाँ पर है तो इस 3 गांव के लोगों को ये शरद पूर्णिमा भारी पड़ गई। पूर्णिमा के बाद जो पूजा हुई थी उस पूजा में प्रसाद के तौर पर लड्डू बांटे गए थे। इन लड्डुओं को खाकर इन गांव के 50 लोग बीमार हैं, हालत गंभीर बनी हुई है, आंकड़ा अभी बढ़ता जा रहा है। इतनी तादाद में एक साथ लोगों के अस्पताल आने से अस्पताल में भी हालत खराब हो गई है। मेडिकल वार्ड में बलंग की कमी पड़ गई है, जिससे बीमार और बेसुध लोग फर्श पर पड़े हुए हैं। अस्पताल प्रशासन इनका इलाज करने की कोशिश में लगातार जुटा हुआ है। 50 लोगों की हालत गंभीर करने वाला ये मावा कहां से खरीदा गया था ये फिलहाल नहीं पता चल सका है, लेकिन पूरे मामले पर सवाल उठता है कि आखिर इतनी भारी तादाद में ये दूषित मावा कैसे इन गांव तक पहुंच गया। तो इसका जवाब भी खुद ब खुद कहीं ना कहीं सामने आ जा रहा है कि लापरवाही रही है खाद्य विभाग के अधिकारियों की, कि बड़ी खेप इस दूषित मावे की इन इलाकों में पहुंची। यहाँ पर इस दूषित मावे से मिठाइयाँ तैयार की गई और ये मिठाइयाँ इन लोगों तक पहुंची हैं, जिसके बाद इनकी ये हालत हो गई है। और दमोह से इस खबर पर डॉक्टर राजेंद्र जैन हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं। अच्छा, सबसे पहले ये बताइए उन 50 लोगों की कैसी तबीयत है, कैसी हालत है, जो इस दूषित मावे से बनी मिठाई को खाने के बाद बीमार पड़ गए?
आपको बता दूँ कि जो लोग बीमार हुए थे जिला अस्पताल में रात 9 बजे से आना शुरू हुए थे, इनके आने का क्रम रात 12 बजे तक चलता रहा और शुरुआत में इनकी जो हालत थी उसको देख के लग रहा था कि ऐसा ना हो इनमें से कुछ लोगों को जोर को रेफर करना पड़े या कुछ लोग खत्म हो जाए, लेकिन समय रहते जिला अस्पताल में पहली बार ऐसा माहौल बना कि पूरा स्टाफ भी जान संजीते त्योहारी सीजन है कारोबार को पकड़ने के लिए कार्रवाई की गई है, लेकिन दमोह जिले में कभी भी कोई ऐसा अभियान अभी तक नहीं चलाया गया है। इसका नतीजा है कि भिंड मुरैना ग्वालियर तरफ से धड़ल्ले से विभिन्न वाहनों से मावा और दूसरा सामान यहाँ पहुंचता है, नकली घी यहाँ पे आता है, लेकिन कभी कोई कार्रवाई नहीं की जाती। अभी शरद पूर्णिमा वाला जो मामला है तो उसके पीछे मुख्य वजह यह है कि सभी को पता है शरद पूर्णिमा के दिन बाबा के लट्टू घर घर में चढ़ाए जाते हैं, मंदिरों में चढ़ाए जाते हैं, जगह जगह सामूहिक आयोजन होते हैं और इसके लिए जो बाबा के व्यापारी या मिष्ठान विक्रेता ये लोग हफ्तों पहले से बाबा का संग्रह करके रखे हुए थे। एक तो दूषित बाबा ऊपर से हफ्ते भर पुराना बाबा और उसके बाद इसको जिस ढंग से बनाया गया कल पड़ी हुई गर्मी और इसका जब वितरण किया गया तो उसी का नतीजा है कि कुछ पार्टी के शिकार 50 से ज्यादा लोग हो गए। अगर इस मामले में किसी से पूछताछ की गई है, जिस दुकान से मिठाई खरीदी गई थी उससे पूछताछ की गई है या फिर जो मिठाई खाई गई है प्रसाद के तौर पर उसका सैंपल भेजा गया है लेबोरेटरी जांच के लिए? नहीं, अभी इस मामले में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आपको इस मामले में क्या बता दें, हरद्वानी गांव का जो मामला है वहां पर अन्य लड़किया के यहाँ पूजा का कार्यक्रम था, उनने कहा से इस मामले को खरीदा, लड्डुओं को बनवाया। आप मेरे साथ बने रहिए, मैं आपके पास अभी लौटता हूँ वापस, आपसे बातचीत करूंगा। इस वक्त हमारे साथ सीएमओ वीके चौबे जी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। वीके चौबे जी, मैं आपसे सबसे पहले जानना चाहूंगा, जो मिठाई खाने के बाद लोगों की तबीयत बिगड़ी थी, फिलहाल क्या स्थिति है उनके? कंट्रोल में हो गई उसकी बात 1 बजे रात को और सभी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आई, सब ठीक ठाक हो गए। लगा दी कुछ लोग वहाँ भी थे पर मेरा ना तो वहाँ भी ठीक हो गए, मतलब जिले में 4-5 जगह ऐसा हुआ था जी, तो सब जगह हमने कंट्रोल कर लिया, कोई दुर्घटना नहीं, कुछ नहीं, सब ठीक है। हाँ, सैंपल हम भेज रहे हैं और कार्रवाई जारी है, ठीक है सर। आप लोगों ने अपनी डॉक्टरी जांच में क्या पाया, किस वजह से ये सब कुछ हुआ लोगों के साथ? खराब मावा खाने से जी, खराब मावा खाए ने पुराना रखा होगा जी, दीवार में निकाल देते हैं लोग। किसी तरह की कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है आपको इलाज के दौरान? ऐसा तो नहीं है कि कुछ कमी बेसी हो रही है? कंट्रोल कर लिया, इमीडिएट कंट्रोल किया, बहुत जल्दी किया, टीम भेज के समय टीम भेज के मैं खुद पटेरा गया और आटा भी गया और पथरिया तरफ भी गया और रात भर में दूर पर रहा और पूरा कंट्रोल कर लिया, ठीक है सर। शुक्रिया आपका वीके चौबे हमसे बातचीत के लिए। तो सीएमओ वीके चौबे हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि खराब मावे से बनी हुई मिठाइयां खाने के बाद ही इन लोगों की हालत हुई है, हालत बिगड़ने के बाद इन लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, लेकिन फिलहाल एक राहत की बात यह है कि सभी लोगों की तबीयत धीरे धीरे सुधरती जा रही है, सभी लोगों को इलाज मिल रहा है, इसके बाद उनकी हालत में तेजी से सुधार हो रहा है। दो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर है, पहली तस्वीर को बयान कर रही है दूषित मावा खाने के बाद बीमार हुए लोग जो कि अस्पतालों में पड़े हुए थे अपना इलाज कराने के लिए, लेकिन फिलहाल उनकी हालत में सुधार है। पर वहीं दूसरी तस्वीर नकली मावा जो कि लगातार धड़ल्ले से शहर में पहुंच रहा है, बिक रहा है और लोगों के थाली तक पहुंच रहा है और उनकी उनके लिए जानलेवा भी साबित हो रहा है। ऐसा ही हुआ दमोह में भी, लेकिन यहाँ वक्त रहते इलाज मिल गया तो सभी लोगों की जान बचा ली गई, लेकिन खाद्य विभाग को सतर्क रहना पड़ेगा तभी जाकर इस तरह जो नकली मावा है उस पर रोक लगाई जा सकेगी। सरकार तो अपना काम कर ही रही है, लेकिन सबसे ज्यादा सावधान रहने की जरूरत आपको है, क्योंकि सेहत आपकी है तो सावधानी भी आपको ही बरतनी पड़ेगी। हम बने हैं अपनी इस खास पेशकश में, एक छोटे से ब्रेक के बाद तुरंत वापस लौटते हैं और दिखाएंगे और क्या कुछ चल रही है गड़बड़ियां।